नमस्कार, मैं लक्ष्मी लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरने का निर्णय लिया। इसमें से 100 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 100 पद बैचवार आधार पर भरे जाएंगे। आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। इन 100 पदों में से 52 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 48 पदों को बैचवार आधार पर भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के खुंडिया में नया विकास खंड कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यालय के परियोजना निदेशक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास में विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान 62 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बंजार कला केंद्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये घाटी देवी देवताओं की घाटी है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से इस घाटी का एक अलग महत्व है। लोग भी यहाँ पर देव तुल्य है। लक्ष्मी नारायण की भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य यहाँ पर होना है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि गांव में कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि अपने देवते को प्रणाम किए बिना घर से निकलता होगा। यही देवभूमि के हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत है। ये देवी देवता हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हिमाचल प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए देवी देवताओं से सबके ये आशीर्वाद भी मांगता। हम कहीं भी पहुंचे तरक्की की राह, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ाव सदैव रहना चाहिए। हमारे नौजवान इस बात को लेकर के मैं विशेष तौर से मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, हम कितने भी पढ़ लें, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन संस्कृति से अपने संस्कार से नाता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। गत दिनों सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला कुल्लू के भुंतर से राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अंतर्गत अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दूर दराज के क्षेत्रों में मरीजों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2010 को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया था। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में माईगो हिमाचल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो और उन जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए हम इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए उसमें सफल हों, उस दृष्टि से माईगोव पोर्टल के अंतर्गत जन भागीदारी से सुशासन महाक्विज हिमाचल प्रदेश का जो आज जिसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों कांगड़ा में भगवान परशुराम संस्कृति भवन का शिलान्यास किया। इस भवन के निर्माण पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, भगवान परशुराम जी को विशेष तौर से किस बात के लिए जाना जाता है कि वो अन्याय सहन नहीं करते हैं, न्याय के देवता के रूप में उनको माना जाता है, पूजा जाता है। भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म पाप और अत्याचार को खत्म करने और धर्म की स्थापना धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए भगवान परशुराम जी ने जन्म दिया था। और भगवान परशुराम जी को शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में जो है महारत हासिल, और भगवान शिव की बहुत
उपासना करने, पूजा करने के पश्चात उनको वरदान के रूप में जो है वो जो परशुराम जी का फल था वो भगवान शिव ने उनको दिया था। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के गोहर उपमंडल की ग्राम पंचायत सरुआ में विद्युत अनुभाग और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सरुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इससे पूर्व ये क्षेत्र विद्युत उपमंडल गोहर के विद्युत अनुभाग सेंच से जुड़ा हुआ था और इस क्षेत्र की जनता को संबंधित कार्यों के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब सरुआ विद्युत अनुभाग के शुरू हो जाने से क्षेत्र की 3 पंचायतें सरुआ, कांडी और अनाह विद्युत उपमंडल पंडोह से जुड़ गई हैं, जिससे लगभग 3,000 लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको अपने घर गांव में मिल सके, उस दृष्टि से हमने निर्णय किया कि आपकी जो पीएससी की मांग उसको पूरा करना चाहिए। आपको पीएससी दी, इसके लिए मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आप सब सबके बीच में आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हमने विकास करने की कोशिश की। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।